इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से किया गया हमला। प्रधानमंत्री दफ्तर के मुताबिक हमले के समय घर पर नहीं थे नेतन्याहू, कोई हताहत नहीं हुआ। यूपी में उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक, प्रभारी मंत्री और जिलों के प्रभारी नेताओं के साथ मंथन। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर लगा अवैध निर्माण हटाने का नोटिस, अतिक्रमण नहीं हटा तो हो सकता है बुलडोजर एक्शन। बहराइच हिंसा पर सीएम योगी ने शीर्ष अधिकारियों के साथ की बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर देर रात तक चली महायुति की बड़ी बैठक, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार रहे मौजूद। आज बीजेपी कर सकती है 107 सीटों की अपनी पहली सूची जारी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश में एफबीआई की ओर से वांटेड घोषित किए गए विकास यादव पर बड़ा पर्दाफाश, हत्या की कोशिश और अपहरण के आरोप में दिल्ली में पिछले साल दिसंबर में हुआ था गिरफ्तार, इस साल अप्रैल में थी जमानत। दिल्ली में दम घोटू हवा और यमुना नदी में जहरीले जहाज के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया एक्शन का दावा तो बीजेपी ने बताया सरकार का दिखावा। आज से झारखंड में राहुल गांधी फूकेंगे चुनावी बिगुल, रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन को करेंगे संबोधित, झारखंड में 13 और 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। बिहार में कार्यरत आईएएस अधिकारी संजीव हंस गिरफ्तार, देर रात ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में की संजीव हंस की गिरफ्तारी, पूर्व विधायक गुलाब यादव भी गिरफ्तार हुए।